أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو मैं हूँ मोहसिन रजा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 की जो हमारी असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है फॉर द स्प्रिंग 2020 उस हवाले से है। दोस्तों आज की असाइनमेंट शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे जो तीनों चैनल हैं जिसमें वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज है 24/7 टीचर्स ऑनलाइन है और की टू सक्सेस है, इन तीनों को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे आपको मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर जो आप लोगों के मुश्किल हैं, ऑलमोस्ट 15 सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद की टू सक्सेस के ऊपर आपकी एग्जाम की तैयारी से हवाले से मैंने काफ़ी अच्छा मटेरियल अपलोड किया है जो आपको आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म की तैयारी में हेल्प करेगा, तो ये आप ज़रूर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों असाइनमेंट शुरू करते हैं, असाइनमेंट शुरू करने से पहले हम जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं क्योंकि जब तक हमें रिक्वायरमेंट की ठीक समझ नहीं आएगी तो हम किसी भी असाइनमेंट को जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसमें हमें एक केस दिया गया है और केस जो है हमारे करंट सिनेरियो का है जिसमें हम COVID-19 की मतलब कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं उस हवाले से है, तो हम केस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अंडर द करंट पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ COVID-19 एंड एक्स वाई यूनिवर्सिटी वॉन्ट टू चेंज देयर कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम इन टू द डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन सो दैट स्टूडेंट कैन कंटिन्यू देयर एकेडेमिक एक्टिविटीज ड्यूरिंग द पेंडेमिक ईरा। यूनिवर्सिटी एम टू हैंडल ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडेमिक एंड स्टाफ रिलेटेड इशूज विद द हेल्प ऑफ द डिजायर सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑन प्रायोरिटी द मेन फोकस ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ एकेडेमिक सेशन ऑफ फैसिलिटीज बोथ स्टूडेंट एंड टीचर्स यूजिंग द सॉफ्टवेयर स्टूडेंट विल बी एबल टू अटेंड वर्चुअल क्लासेस सेशंस एंड दे कैन क्यूरी रिगार्डिंग लेक्चर कॉन्टेंट विच विल बी रिस्पॉन्ड बाय द टीचर ड्यूरिंग द सेशन। अब यहाँ पे दोस्तों आपको इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आइडिया हो गया होगा कि इसके कौन कौन से यूजर हैं। इसके बाद और भी कुछ रिक्वायरमेंट दी गई हैं वो हम देख लेते हैं। प्रोविजन ऑफ लॉग इन इंटरफेस टू द टीचर एंड इनरोल्ड स्टूडेंट फॉर लॉग इन टू देयर अकाउंट ऑल द क्लासेस कॉन्टेंट एंड फंक्शनैलिटीज विल बी अवेलेबल टू द ऑथेंटिकेट यूजर ओनली। इसके पास डिफरेंट मतलब टीचर भी और जो स्टूडेंट है वो लॉगिन के जरिए सिस्टम के अंदर एंटर होगा। टीचर विल बी अलाउड टू अपलोड लेक्चर कंटेंट, टीचर जो है वो लेक्चर कंटेंट अपलोड करेगा इन शेप ऑफ वीडियो ऑफ लेक्चर एंड स्लाइड्स। इसके बाद स्टूडेंट विल बी डाउनलोड लेक्चर कंटेंट, जो स्टूडेंट है वो उस कंटेंट को डाउनलोड कर सकता है। इसके बाद फर्दर कुछ और चीजें हैं, टीचर विल बी इंटीमेट द क्लासेस मीटिंग सेशन एंड स्टूडेंट शुड हैव ऑप्शन टू ज्वाइन एंड अटेंड द मीटिंग सेशन। अब टीचर जो है वो क्रिएट कर सकता है सारी एक्टिविटीज को और स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन कर सकता है। टीचर कैन प्रेजेंट लेक्चर स्लाइड्स, इनेबल डिसेबल माइक्स ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट ड्यूरिंग द मीटिंग सेशन, और उनके माइक जो है वो सारे ऑफ कर सकता है और फिर जिस बंदे को अलाउ करना है वो उनको अलाउ भी कर सकता है। सिस्टम शुड प्रोवाइड वीडियो स्ट्रीमिंग और टीचर प्रेजेंटेशन टू ऑल पार्टिसिपेंट विदाउट एनी डिले। वीडियो स्ट्रीमिंग होगी, लेक्चर स्लाइड विल बी विजिबल टू द स्टूडेंट ड्यूरिंग द सेशन और स्लाइड्स भी विजिबल होंगी। क्लास अटेंडी विल ऑल्सो हैव ऑप्शन ड्यूरिंग ऑन ऑफ देयर माइक, और जो स्टूडेंट हैं वो अपना माइक को जो है वो ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इट शुड बी वेरी इजी फॉर द यूजर टू अंडरस्टैंड एंड यूज द सॉफ्टवेयर सिस्टम, और यूजर के लिए जो है वो सॉफ्टवेयर यूज करना बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल होगा। टीचर विल हैव ऑप्शन टू जनरेट क्लासेस क्विज एंड अपलोड डाउनलोड क्लास असाइनमेंट। स्टूडेंट शुड बी एबल टू अटेम्प्ट क्लास क्विज एंड डाउनलोड देयर असाइनमेंट, वहां से ही मतलब टीचर अपलोड करेगा और स्टूडेंट जो है वो इनको डाउनलोड करेगा और सॉल्व करेगा। सिस्टम शुड बी डिजाइन टू सपोर्ट फ्यूचर एनहेंसमेंट सो दैट एनी इम्प्रूवमेंट इन द फीचर्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इजीली एंड इफेक्टिवली, और ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर इम्बेडिड होनी चाहिए और इन्हेंसमेंट होगी एजुकेशन ईरा के अंदर।
तो ये है दोस्तों हमारी असाइनमेंट। अब इसके अंदर जो है हमें दो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, और दो रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं इसमें? फर्स्ट रिक्वायरमेंट है यूजिंग द अबव मेंशन सिनेरियो, हमने जो ऊपर सारा केस सिनेरियो देखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू ट्राई यूज केस मॉडल फ्रॉम द गिवन फंक्शनैलिटीज रिक्वायरमेंट, हमने जो है इससे यूज केस मॉडल बनाना है। एंड द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ दिस असाइनमेंट इज ऑल्सो आइडेंटिफाई एटलीस्ट फोर रिक्वायरमेंट, हमने फोर रिक्वायरमेंट्स देखनी है नॉन फंक्शनल फ्रॉम द अबव मेंशन सिनेरियो, ऊपर जो हमें सिनेरियो दिया गया उसमें से, दैट वुड नॉट बी मॉडल इन द यूज केस डायग्राम, जिनको हमने यूज केस डायग्राम के अंदर मॉडल नहीं किया। तो दोस्तों ये है हमारी इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट। बढ़ते हैं हम इस असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन जो है इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कि यू हैव टू ड्रॉ द यूज केस डायग्राम, हम जो है यूज केस डायग्राम बना लेते हैं जी। दोस्तों जब मेरी वीडियो आती है तो बहुत सारे फिर लोगों का क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि सर आपने ये यूज केस डायग्राम जो है वो किसके सॉफ्टवेयर के अंदर बनाई है? तो दोस्तों हमें असाइनमेंट के अंदर भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट विजियो यूज कर सकते हो, आप इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट इवन दैट वर्ड यूज कर सकते हो, आप इसके लिए यूएमएल यूज कर सकते हो, आप कोई और सॉफ्टवेयर जिसके अंदर ये डायग्राम्स वगैरह बनाई जाती हैं वो यूज करो, कोई भी सॉफ्टवेयर इवन दैट के पेंट भी यूज कर सकते हो, अगर कोई बच्चा वहां पे बना सकता है तो बना ले, ठीक है। और मैं जो स्पेशली बना रहा हूँ वो, मैं चूंकि मेरी स्लाइड्स हैं, मैं पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ, तो मैं अपने ये जो डायग्राम है वो पावर पॉइंट में ही बनाता हूँ, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप पावर पॉइंट में भी बना सकते हो, लेकिन फिर आपको वो वर्ड में कॉपी करना पड़ेगा। तो आप वर्ड के अंदर बना लें डायरेक्टली, आप विजियो यूज कर लें, आप कोई यूएमएल यूज कर लें, कोई भी टूल यूज कर लें, हमें सिर्फ डायग्राम चाहिए, मतलब जो टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो आपने यूज केस डायग्राम कैसे बनाना है? आपने सबसे पहले तो इस सिस्टम की बाउंड्री बनानी है। देखें आपको एक बॉक्स की शक्ल में ये बाउंड्री नजर आ रही है, इसको हम सिस्टम की बाउंड्री कहते हैं। दोस्तों ये सिस्टम की बाउंड्री बनाने के बाद आप लोगों ने बनाने होते हैं इसके एक्टर, कि इस सिस्टम को कौन कौन सा जो एक्टर है या यूजर है वो ऑपरेट करेगा, या एंटिटीज इसकी कौन कौन सी हैं। तो हमारा जो सिस्टम हमें दिखाया गया है उसके अंदर हमारी दो जो हैं वो एंटिटीज हैं मेन, एक उसमें टीचर है और दूसरा जो है वो हमारे पास स्टूडेंट है, और यही जो हैं वो हमारे इस सिस्टम के दो एक्टर भी हैं, कि इसके अंदर जो सारी फंक्शनैलिटीज हैं वो या तो टीचर परफॉर्म कर रही हैं या फिर स्टूडेंट परफॉर्म कर रही हैं। दोस्तों इसके बाद इसके बाउंड्री के अंदर हम इनकी फंक्शनैलिटीज को ओवल के अंदर लिखते हैं। जैसे आपको पहले जो है स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है कि टीचर जो है वो लॉगिन हो रहा है किसी भी मतलब ये जो हम सिस्टम बनाएंगे इसके ऊपर। इसके बाद जो है टीचर की जितने भी रिक्वायरमेंट हैं वो जो हमने सारी पढ़ी हैं वो आप जो है वो बारी बारी लिख सकते हो। यहाँ पे जो है वो मेरा मकसद जो है वो यही था समझाना कि आपने यूज केस डायग्राम कैसे बनानी है। तो यहाँ पे टीचर जो है वो लॉगिन हो रहा है, उसके बाद टीचर जो है वो ऐड कर सकता है मीटिंग्स को, इसके बाद टीचर ऐड कर सकता है वीडियोस को, इसके बाद टीचर जो है वो ऐड कर सकता है डिफरेंट स्लाइड्स को, तो उसके बाद आखिर के अंदर जो है वो टीचर उस सिस्टम से लॉग आउट हो जाएगा जब वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेगा। इसके बाद बारी आती है दोस्तों स्टूडेंट की, ये तो है टीचर के एंड से। अब इसके अंदर आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो, इसमें से अगर आप कुछ चाहें तो कुछ मिन्हा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट की बारी आ गई, अब स्टूडेंट क्या कर सकता है वो फंक्शनैलिटीज आपने यहाँ पे लिखनी है। तो स्टूडेंट जो है वो साइन अप कर सकता है किसी भी सिस्टम के, उस सिस्टम के ऊपर जो हम बनाएंगे, और साइन अप के बाद जो स्टूडेंट है वो भी लॉग इन करेगा, क्योंकि अगर उसने कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है तो उसको लामहाला लॉग इन होना पड़ेगा। अब लॉग इन जो है वो टीचर ने भी लॉग इन करना है, स्टूडेंट ने भी लॉग इन करना है, तो इसलिए मैंने उसको एक ही ओवल के जरिए जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके बाद हमारे पास जो है वो व्यू स्लाइड, के टीचर ने जो स्लाइड्स अपलोड की हैं
वो जो स्टूडेंट है वो उन स्लाइड्स को भी देख सकता है। इसके बाद स्टूडेंट जो है वो जो लेक्चर अपलोड किए हैं टीचर ने वो उनको भी देख सकता है। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट उस मीटिंग को भी ज्वाइन कर सकता है जो टीचर ने स्टार्ट की है या करनी है। इसके बाद आखिर में देखें स्टूडेंट जो है वो उस सिस्टम से लॉग आउट होगा जब उसने वो सारी जो फंक्शनैलिटीज हैं जो उसको रिक्वायर्ड थी वो परफॉर्म कर लेगा, तो उसके बाद वो सिस्टम से लॉग आउट हो सकता है। तो दोस्तों ये आपके सामने जो है यूज केस डायग्राम जो है इसकी बन जाएगी। इसके बाद हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट थी इस असाइनमेंट की, वो ये थी कि आपने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है। तो अब हम उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और स्क्रीन के ऊपर जो है वो हमने बेसिकली चार लिखनी है, तो यहाँ पे मैंने काफी सारी लिख दी हैं और आपने इनमें से या इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो वो आप अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हो। मैंने जो है यहाँ पे सिर्फ नाम लिख दिए हैं क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वीडियोस को ही कॉपी करके जो है आप लोगों ने सेंड करना है, तो हर बंदा जो है इनकी डिटेल वो अपने अल्फाज में खुद लिखेगा। और वैसे भी मेरी जो जितनी भी वीडियोस आती हैं चाहे वो असाइनमेंट के हवाले के सॉल्यूशन के हवाले से हो चाहे वो आपके जीडीबी के सॉल्यूशन के हवाले से हो, मेरी कोई फाइल्स नहीं होती, ठीक है। मेरे कुछ अपने पेड स्टूडेंट होते हैं जो मुझे पे करते हैं, फाइल्स मैं उन्हीं को देता हूँ, उन्हीं के लिए बनाता हूँ। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जो देना है वो ये है कि आपको आइडिया देना है कि आप अपनी असाइनमेंट कैसे बना सकते हो, तो इसलिए मेरी फाइल्स नहीं होती क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो पहली नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट है वो है इजी टू यूज, कि आपका जो सिस्टम है वो इजी टू यूज होना चाहिए, इजी टू एक्सेस, कि आपका जो सिस्टम है उसको इजीली जो है एक्सेस किया जा सके विद द हेल्प ऑफ द लॉगिन आईडी एंड लॉगिन पासवर्ड। उसके बाद है जी क्विक एक्सेस, उसको क्विकली एक्सेस किया जाए, ये ऐसे ना हो कि आपने जो है वो सिस्टम बनाया उस पे अब आपने डबल क्लिक किया और अब बस वेट करते रहें और 4-5 मिनट के बाद जो है वो आपके सामने लॉग इन हो और फिर आपने कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो उस पे क्लिक करें और फिर वेट करते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि क्विकली हर चीज जो है वो क्विकली आपको एक्सेसिबल होनी चाहिए ऑन दैट सिस्टम जो हम लोग डिजाइन करेंगे। इसके बाद फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए, बिल्कुल आसानी से जो है वो चीजें समझ आ जाए जैसे हम नॉर्मली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बिल्कुल ग्राफिकली आपकी चीजें रिप्रेजेंट की होती हैं कि आपने प्रिंट लेना है तो वो प्रिंट का एक आइकॉन बना हुआ है, वहां क्लिक करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा, या आपने सेव करना है तो सेव का एक आइकॉन बना हुआ है। तो ये ऐसा जो पैकेज बना होता है सॉफ्टवेयर वो आपका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है। तो उसके बाद सिक्योरिटी का है, ऐसा ना हो कि हम सिस्टम बनाएं और वो चोरी हो जाए, तो उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी को भी मेंटेन किया जाए। उसके बाद अपडेटिंग है, ऐसे नहीं है कि हमने बस सिस्टम एक बार बना दिया अब इसके अंदर और चीजें नहीं ऐड हो सकती, नहीं, बल्कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड, उसके अंदर अपडेशन होती रहनी चाहिए। इसके बाद है जी अदर फीचर्स, अगर कोई और आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप लिख सकते हो। दोस्तों हमने सिर्फ और सिर्फ चार नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है। तो दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट CF504 की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि आपने कैसे बनानी है। आखिर में मैं फिर आपको बता दूं कि आप ये जो यूज केस डायग्राम बनाओगे वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी बना सकते हो, आप पेंट के अंदर भी बना सकते हो, आप कोई टूल यूज कर सकते हो UML का, आप माइक्रोसॉफ्ट विजियो यूज कर सकते हो, इवन दैट के आप पावर पॉइंट में बना के कॉपी करके आप वर्ड में लेके जा सकते हो। ये सारे टूल जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं टू ड्रा दी यूज केस डायग्राम। दोस्तों आखिर में मैं फिर आप लोगों को कहूंगा 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाइए, वहां पे जो मेरे सब्जेक्ट के लेक्चर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट के, जो आपके मुश्किल सब्जेक्ट हैं, CF101 है, MGT101 है, CF201 है, MGT201 है, CF601 है, CF401 है, HTML है, जावा स्क्रिप्ट है, MGT211 है, आपका ECO है, इंग्लिश है, ACC है, तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट के मैंने लेक्चर वहां पे रखे हैं, तो आप उस पे जाएं और वहां पे जो लेक्चर अवेलेबल हैं आप उनसे भी जरूर फायदा उठाएं। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सॉल्यूशन के साथ या GDB सॉल्यूशन के साथ, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।